एक तरफ मुल्क के ऊपर पहले ही बहुत सारी वबाएं हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, ऊपर से हुकूमत के ज़ुअमा बशमूल वजीर आजम रोज कोई ना कोई नया गुल खिला देते हैं। अब कल वजीर मोरे कश्मीर ने फरमाया है कि जो कश्मीर के इशू पे हमारा साथ नहीं देगा या हिंदुस्तान का साथ देगा, हम उस पर भी मिसाइल मारेंगे। यानी इससे कोई फजूल हरकत, इससे कोई फजूल बयान, इससे कोई गैर जिम्मेदारी की बात हो सकती है? वजीर आजम है कि हर वक्त खड़े होकर कहते हैं कि हमारी न्यूक्लियर जंग हो जाएगी तो दुनिया भर को इसकी हिद्दत पहुंचेगी। आप दुनिया को धमकियां किस बुनियाद पे दे रहे हैं? पाकिस्तान का इमेज इन्होंने बर्बाद कर दिया, आलमी तनाजर में इन्होंने फंसा के रख दिया। जरदारी साहब बगैर किसी वजह के जेल में रखे गए, इस मार्च के साथ चल के अपनी हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर इस हुकूमत के खिलाफ एक तरह का रेफरेंडम है। हमने इस पे बड़ा वाजे मौकफ लिया कि अगर इन हाउस चेंज इस प्रेशर के नतीजे में आ जाती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं।